इससे रजिस्ट्री वगैरह? हाँ, रजिस्ट्री भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है। हाँ हाँ, ससुर के समय का रसीद वगैरह होगा, जमीन समय का रसीद भी है। ये देखिए कितना साल का है, 82-83 का रसीद है, और इधर ऑनलाइन नया भी है। यानी अप टू डेट आप इस जमीन का टैक्स जमा कर? इस तरह का उन लोग को नहीं करना चाहिए। मेरे पति के ऊपर झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा के इस तरह का बोल रहे हैं। ये जो ज़मीन है मेरे बाप के है, जब अकलू मियाँ और गयासुद्दीन ये दोनों मिलके बाप बेटा, जब मेरे पति यहाँ आते हैं तो उनको ये मारने पीटने का धमकी देते हैं, लाठी उठी निकल लेके लोग से नहीं बन पाता, आगे नहीं बढ़ते, लेडीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। मैं एआर बकरवी, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। पिछले दिनों आप लोग देखें, बोकारो के पुपन की बस्ती में गांव में एक ज़मीन से जुड़ा मामला सामने आया था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि ऐनुल अंसारी पेपर नहीं दिखा रहा है, और हमने इस ज़मीन का जो है कि दखल 60-70 सालों से की है, ये ज़मीन हमारी है। आज ऐनुल जो है, ऐनुल सपरिवार के साथ में उसी ज़मीन पर प्रेजेंट हुए हैं। ऐनुल और उनके परिवार का क्या कहना है हम दिखाएंगे। ऐनुल के जो ससुर जी है मुखबिर मियाँ, वो उनका यहाँ पे घर था ना भैया, मिट्टी का घर था, और ये कुआं कुआं उन्हीं के पीरियड का बना हुआ है, और उनके बाद नौकरी हो गया बिसल में, तब यहाँ से चल के हुआ गया। आप बड़े दामाद हैं? हम बड़े दामाद हूँ। क्या नाम होगा? तुला अंसारी। और मुरलीडी में हम भी रहते हैं, ससुराल में। तो अच्छा ठीक है, ये ज़मीन आप लोगों की है, पेपर भी है, सारा चीज़ सब टोटल चीज़ है मेरे पास। तो जब सब चीज़ है तो फिर आप लोग महिलाओं के साथ में झगड़ा क्यों कर? ज़बरदस्ती कर रहा है, बोले हम 70 साल से देख रहे हैं झूठे मूठे, अरे अभी तक तो कुछ नहीं बना है, देख लीजिए आपका माध्यम से देख लीजिए पूरा। तो ऐनुल जी कौन हुए? मेरा छोटा साड़ू हुए। तो दोनों साड़ू मिलकर जो है कि इस ज़मीन की देख रेख करते दोनों, बोले हमारे ससुर जी। आपका आपका नाम क्या हुआ मैडम, बताइए तो। सर मेरा नाम हसीना बीबी। लोगों के विरोध में एक वीडियो चला था, आप देखें? देखें, बहुत ही ख़राब वीडियो, हम लोग को देख के बहुत ही दुख हुआ कि इस तरह का उन लोग को नहीं करना चाहिए। मेरे पति के ऊपर झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा के इस तरह का बोल रहे हैं। ये जो ज़मीन है मेरे बाप के है ज़मीन, और उन लोग यहाँ आके झूठ मूठ का हल्ला गुल्ला कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। वो जो है दोनों बाप बेटा अकलू मियाँ और गयासुद्दीन ये दोनों मिलके बाप बेटा, जब मेरे पति यहाँ आते हैं तो उनको ये मारने पीटने का धमकी देते हैं, लाठी उठी निकलते हैं, लेकिन लोग से नहीं बन पाता, आगे नहीं बढ़ते, लेडीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। हम लोग भी तो एक लेडीज़ है, मेरा बाप का, हम लोग कहे नहीं आते हैं, उन लोग कहे लेडीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए हम लोग को मीडिया से और ये प्रशासन से कहना है कि हम लोग के ज़मीन में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और महिला पुलिस हम लोग को दिया जाए थाना। जिला प्रशासन से ये आप गुजारिश करते हैं कि यहाँ महिला पुलिस लाकर आप लोगों का जो हक हुकूक है इस ज़मीन को लेकर वो मिले? जी, हम लोग थाना से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग के लिए यहाँ महिला पुलिस दिया जाए। ये आपकी बड़ी दीदी हुई जी, आपका क्या नाम? कनीज भाभी। यहाँ आपके पापा का घर होगा? हाँ हाँ, मेरा पापा का घर था, फिर हम लोग बीच बीच में आके देख के हम जाते थे। ये लोग कैसे कह रहे हैं कि ये मेरा है, उधर गोराई का है, उधर ठाकुर का है, बीच में मेरा है, इधर किसी और का, ये कैसे हो? देखिए सर, ये बोलने से तो नहीं होता है, जिसका पेपर रहेगा उन्हीं का ना जमीन होगा। कोई भी चीज़ अगर बाहर में रहेगा वो तो सब कोई बोलेगा कि मेरा है मेरा है, वो बोलने से नहीं होता। खाली जगह था, ये लोग अपना अपना देखो पर्दा वर्दा लगा के क्या करता था ये लोग। हाँ, के लिए थोड़ा मोड़ा ये कागज उगज दे के बनाए थे, पत्ता भी ले गए हैं, सूटी भी ले गए हैं। हम यहाँ बार बार हम लोग आते हैं, देख के जाते रहे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस ज़मीन, ये 60-70 साल से अब तक इस ज़मीन में किसी प्रकार का घर, लेटरिन रूम वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ है। ऐनुल जी आज पेपर लेकर आकर बैठ गए हैं जब इन पर आरोप लगा। ऐनुल जी बताइए, कौन कौन सा पेपर आपके पास में है? पेपर सर वो बार बार बोलता है कि पेपर क्यों नहीं दिखाता है। जी जी, तो हम पेपर उसको देबो किए थे, लेकिन वो पेपर फाड़ के फेंक दिए हैं। और ये तो ये मेरा आप दिखा रहे हैं 32 का, ये दीनानाथ मिश्रा। हाँ, दीनानाथ मिश्री जी का नाम से है। अच्छा, तो उन्हीं का दिया हुआ जो है भाई मेरे पास, देखिए ससुर को दिए कच्चा पर्चा। जी जी, जिसमें देखिए मेरा मकबीर मियाँ। अच्छा, ये कच्चा पर्चा जब बना तो आपके ससुर जी का नाम चढ़ा जी का नाम से आया। उसके बाद देखिए फिर इधर पक्का पर्चा भी बन के आया है,
जिसमें मेरा ससुर जी का ही नाम है। इससे रजिस्ट्री वगैरह? हाँ, रजिस्ट्री भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है। हाँ, ससुर के समय का रसीद वगैरह होगा? समय का रसीद भी है। देखिए कितना साल का है, 82-83 का रसीद है, और इधर ऑनलाइन नया भी है। यानी अप टू डेट आप इस जमीन का टैक्स जमा करते हैं सरकार? हाँ, हम टैक्स बराबर जमा करते हैं। 21-22 का टैक्स जमा है। 21-22 तक का रसीद है। तो यानी पूरी तरह जो है इस ज़मीन का कागजात अनिल जी आज लेकर अपने ज़मीन पर पहुंच गए हैं। तो ये लोग कैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा ज़मीन है, हम 60 साल? ये जबरन सर, वो तो अपना जो वीडियो जारी किया उसमें बताइए रहा कि हमने ठाकुर को भी दिया, हमने महतो को भी दिया, तो आपका अगर पेपर ही नहीं है तो आप किसी को दे देते हैं। वो जबरन जो है अपने कब्जा पहले करने का कोशिश कर रहा है और तीन गो को खड़ा कर रहा है, क्योंकि वो तो सोच रहा कि तीन गो और रहेंगे तो मजबूत बनेंगे। हम आते हैं महोदय से आके यहाँ, जैसे आते हैं इन लोग लेडीज लोग निकल जाती है और झूठे का मतलब इल्ज़ाम देती है, जबकि कुआं हमारा है, बारी हमारा है, और बोल रहा कि मेरा कुआं के पास जाता है और हमारे पानी पीता है, वही लोग हम ही लोग को इल्ज़ाम देता है। आप लोग से हम गुहार लगाते हैं कि लेडीज पुलिस दिया जाए यहाँ पर और मेरा जगह को इन लोग का चुंगुल से मुक्त किया जाए। मैंने आप लोगों का कहना है कि ये ज़मीन खाली पड़ी हुई ज़मीन अगर किसी की है, टैक्स दे रहा है तो ज़मीन तो उसकी है, उस ज़मीन में घर बनाए ना बनाए ये तो अगला की मर्जी है भाई। आज आप अच्छा आज ये ज़मीन पे इस तरह का मुद्दा क्यों सामने आया, क्यों ज़मीन को बेच रहे हैं? हमारा जो है कुछ मेरे लड़की का शादी लगाना है, तो इसीलिए हम लोग सोचे कुछ ज़मीन अपना बेचेंगे और पैसा जुगाड़ करेंगे। तो इन लोग का किया, इन लोग फ्री में लेने के चक्कर में हम इन लोग से कुछ एग्रीमेंट किए हैं, कुछ लोगों से जो पैसा दे के इन लोग बगल वाला लोग बनाए हैं, और उन लोग जो है फ्री में रंगदारी करने के चक्कर में लेने की कोशिश कर रहा है। फ्री में रंगदारी करके ज़मीन को लेने का बोला, मेरे पति रात बिरात यहाँ काम करने आते हैं, किसी तरह का अगर कोई भी मतलब थोड़ा सा भी खर्च भी आया तो बाप बेटा का छोड़ के हम किसी को कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। गयासुद्दीन और ये अलकुमिया दोनों बाप बेटा का छोड़, उन्हीं लोग के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगे। पिछले वीडियो में जिस तरह आप लोगों ने देखा कि गयासुद्दीन और अलकू अंसारी तथाकथित जो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि अनिल अंसारी अगर पेपर दिखा देता है तो बीच का रास्ता निकलेगा, यानी आज कहीं ना कहीं अनिल अंसारी पूरी कागजात लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और अगर आपके ज़मीन है, आपके कागजात हैं, आप अप टू डेट टैक्स दे रहे हैं सरकार को, उस ज़मीन में आप घर बनाएँ या ना बनाएँ ये आपकी मर्जी है, लेकिन उस ज़मीन पर कोई अगर दखल कब्जा दिखाता है कि ये मेरा है जबकि उस ज़मीन का टैक्स कोई और देता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मामला किस प्रकार का है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, और अंत में एक दो लाइन कुछ बोलिएगा। हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि मेरा जगह को इन जो है चुंगल से इन लोग से।